हर हर महादेव, जय बाबा की, जय माँ की, गौर शंकर महादेव की जय। सुबह के 9 बज रहे हैं, रेस्टोरेंट पे आ गए हैं, जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। अभी सुबह का नाश्ता रेडी हो चुका है, पराठा बनाए हैं, तो भक्त आ रहे हैं नाश्ते के लिए। अभी होने वाला है, तो आज के दिन थोड़ा सा कम हम भोजन बनाएंगे, बनाएंगे कम बनाएंगे। तो जो लोग जल्दी खाने की आदत है, तो हमारे यहाँ पे 12 बजे भोजन रेडी हो जाता है, तो 12 बजे लोग आ जाएंगे। बाकी लोगों को कह देंगे कि भंडारा खाने के लिए चले जाएंगे। हमारे यहाँ पे लोग आते भी है ना, तो शनिवार, अमावस्या, पूर्णिमा को हम सामने से कहते हैं कि आप लोग दरबार का जो भंडारा होता है, प्रसाद होता है, वो प्रसाद है, तो उसको आप ज़रूर पाएँ, उसको ज़रूर आपको लेना चाहिए। तो उस दिन हम उन लोगों को सामने से लोगों कह देते हैं जाने के लिए। तो अभी अब काम कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। और यहाँ पे गाय माता भी हैं, तो यहाँ से सवेरे सवेरे दूध भी मिल जाता है। अगर आप लोगों को दूध चाहिए रहेगा गाय का प्योर एकदम, ये तो आप लोगों को दूध भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कभी आते हैं तो आप लोग दूध मिल जाएगा, गरम गरम दूध आप लोगों को दे देंगे हम। चलते अब काम कर लेते हैं हम। देख सकते हैं हमारा जो छोटा सा बैनर बनवाया है, माई स्नैक्स कॉर्नर, हमारा रेस्टोरेंट। सामने हमारे बाबा जी का दरबार है, बाबा माँ का आशीर्वाद दर्शन करके हम आ गए हैं। और यहाँ पर हम, या यही मेन रास्ता है हमारे बाबा तक पहुँचने के लिए, लोग इस रास्ते से आते हैं। और सामने हमारा ये एक मंजिले का आपको दिखेगा, ऊपर रहने की व्यवस्था है। अगर आप लोग आते हैं, रेंट का रूम चाहिए तो ऊपर रेंट का रूम आपको मिल जाएगा, और नीचे हमारा रेस्टोरेंट भी है। और यहाँ पर देखिए एक बाबा हैं, दादाजी हैं, दो दिन से कंटिन्यू आ रहे हैं, और सवेरे सवेरे कुछ ना कुछ हम हमको कुछ ना कुछ मदद कर देते हैं। सब्जी देखो, आज आज बोलते हैं कि कुछ काम दीजिए, तो आज लौकी काट रहे हैं। इतने बुजुर्ग हैं, सेवा कर रहे हैं आप लोग, सेवा आ रहे हैं। एक्चुअली दीदी का जो हाथों का खाना, एक्चुअली भोजन करने के लिए, जो इनके हाथ, इनके दिल में, इनके मन में जितनी बड़ी साहस है और बाबा के प्रति समर्पण है, ये कहीं नहीं मिलेगा। उसी का देन है कि आज सब चीज़ में इतना अच्छा स्वाद आता है जो घर में स्वाद नहीं आ रहा है। पराठा कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। कहीं होटल का, कहीं से भी कोई कंपैरिजन नहीं है, इंक्लूडिंग यहाँ पे ना। यहाँ पे भैया होटल का खाना है ही नहीं, यहाँ पे ना आपको घर का खाना मिलेगा। ऐसे घर में भी उतना प्यार, उतना समर्पण, उतना भक्ति वाला जो हो रहा था ना, जो स्पेशली बाबा के प्रति, बाबा का भक्त बना रहा है। वो भी भक्त नहीं, पूरी तरह से समर्पित है वो जी, बाबा से कोई अलग नहीं है, सब कुछ त्याग करके। तो इस खाने में भी एक अमृत है, कहीं ना कहीं जहाँ भी रहेगा, शरीर में रहेगा, इसका एक भी दिन का तो हमेशा ये याद दिला। प्रेरणा हमसे प्रेरणा ले रहे, और हम अपने बाबा से प्रेरणा लेते। हमारा भविष्य, हम सबका भविष्य बड़ा उज्जवल है। जो भी व्यक्ति दरबार से जुड़ा है, करोल शंकर महाधाम से, सबका भविष्य भैया उज्ज्वल ही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग मार्गदर्शक है, मैं आगे आगे आप लोग हैं, पीछे पीछे आप लोग को देख करके बहुत से लोग आगे, बहुत से लोग सब आगे। हमारे गुरुदेव कहते हैं ना, गोल चक्र है, और हमको लगता है कि ये आगे हैं, लेकिन एक्चुअली कोई आगे नहीं है, सब एक दूसरे के पीछे है ना। वो है, लेकिन एक गुरु का एक कुछ कुछ चीज रहते हैं ना, वही हमेशा याद रखे जाते हैं। जितने भी आप संत महापुरुषों का नाम ले लीजिए, उनके कुछ पर्टिकुलर शिष्य हैं, जो गुरु का नाम आते ही, या शिष्य का नाम ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है, या शिष्य का नाम ऑटोमेटिकली आते ही गुरु का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है, वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक बोलो दोनों आ जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल है, आप लोगों ने सेट किया है, और इतना संघर्ष करते हुए भी इतने साहस और धैर्य रख के अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। ये सब धैर्य जो है ना भैया, सिर्फ पूर्ण गुरु के आने से ही होता है। बड़ा अच्छा लगता है बाबा के भक्तों से मिलके, उनका प्यार देख के, उनका समर्पण देख के दरबार के प्रति। और यही भाव, यही समर्पण दरबार के सभी भक्तों के अंदर जिस दिन आ जाएगा ना, उस दिन आप तर जाओगे। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो परेशानी, मतलब उनको लगता है कि नहीं, हमारी परेशानी बढ़ रही है, हम परेशान हो रहे हैं, लेकिन नहीं, दरबार से जुड़ने से, गुरु के पास आने से, जुड़ने से आपके कर्म भोग जो है ना, वो बहुत तेजी से करते हैं। तो कभी आप ना परेशान मत होना गुरुदेव के शरण में आके। उनके शरण में आने के बाद जो चीज़ें भी आपको दुख सुख मिले, खुशी खुशी स्वीकार करना, आप तर जाओगे। आने के बाद ना जीवन में जो चीजें आती है, खुशी को स्वीकार करो, उनके होते हुए दुख क्या, सुख क्या, सब कुछ तो वही है, आनंद में रहो बस। इतना बस इस बात का हमें खुश होना चाहिए कि बाबा है,
माँ मिल गए हैं, वो दुख दे या सुख दे, मैं तो इसमें बहुत आनंद में रहती हूँ ना भैया। देखिए अभी ऐसा नहीं कि दुख नहीं, इतना दुख, इतनी तकलीफ है, अभी भी आती, बहुत तकलीफ होती, लेकिन मैं उनके अलावा किसी के सामने मेरे आंसू नहीं गिरते। अब नहीं आएगी, अब कतई ही नहीं आएगी, जो आना था वो आके गया। गुरु और शिष्य में कोई अंतर ही नहीं है, मैं तो पहले भी महापुरुषों से जुड़ा रहा हूँ, तो गुरु शिष्य के बीच में एक ही चीज़ गैप रहता है कि थोड़ा सा अपने आप को शिष्य भक्त मानता है और गुरु तो अपने जगह पाई हो तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन भक्त की जहाँ बीच की जो दूरी है समर्पण के माध्यम से, समर्पण एक फूल है, उसके माध्यम से एक बार समर्पित हो गया तो गुरु और भक्त के बीच में डिस्टेंस खत्म हो जाता है। और वही कभी कभी दैट्स इट, भक्ति भक्ति ऐसी चीज़ होती है ना, उसके लिए कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, कोई उपनिषद, कोई वेदांत की जरूरत नहीं है, उसके लिए बस एक बार भक्ति कर ली है, सेवरी से सेवरी क्या नाम था उनका, सेवरी, यस सेवरी वगैरह, और बहुत से ऐसे एग्जांपल है हमारे पास्ट में जो उन्होंने भक्ति के माध्यम से आगे बढ़ा है, तो भक्ति के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस समर्पण, समर्पण से गुरु से एकदम बिल्कुल गुरु के प्रति ये भी भाव खत्म हो जाते हैं, ये भी जो ये जो भाव भी निकलते हैं ना गुरु प्रति, बाबा को देख के बहुत प्रेम उमड़ता है, तो ये सब ना गुरु की कृपा है, वो शायद जगाते होंगे इतना प्रेम। गुरु क्या होते हैं उनके बारे में पता चलना, समर्पण, भक्ति, प्रेम, इतना कुछ दया माया करुणा, पता नहीं क्या क्या, ये संसार में हर जगह दुख सुख हमेशा मिला है, लेकिन दुख सुख से ऊपर उठने के लिए गुरु उठाते हैं, गुरु बताते हैं कि वास्तव तुम कौन हो, तुम कौन हो, इसलिए जानने के बाद मैं कौन हूँ, हुए माई, उसके बाद हो जाता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, यह नहीं हूँ, यह शरीर है, जो यहाँ पे यह आ गया वह मैं नहीं हो सकता, मैं यह हमेशा अलग रहता है। हाँ हाँ, जैसे ये शरीर मैं है, ये पूरा बॉडी मैं हूँ, ये मन भी मैं ही, यह है, मन भी यह है, मन मैं नहीं हूँ, बुद्धि भी यह है, मैं नहीं, यह बुद्धि, मेरी बुद्धि में इस बुद्धि में इससे अलग है, इसीलिए गुरु तत्व जो है वास्तविक में मैं है, जो सदा के सदा ज्यों का त्यों रहता है, जो बचपन में था वही अभी हूँ, बुढ़ापे में भी या मरने के बाद भी, शरीर रहने रहे या ना रहे, मैं सदा ज्यों का त्यों रहता हूँ। तो वैसे दीदी आप बचपन में जैसे थी वैसे अभी भी है, इतना खुशहाल, और बाद में भी ऐसे ही रहेंगी बाबा माँ की कृपा से, तो उसमें कोई अंतर नहीं, इसी को तत्व बोलते हैं, जहाँ पे यही सत्य है, सत्य कभी बदलता नहीं, नहीं है, जो पहले था वही आज भी रहेगा, बाद में भी रहेगा, लेकिन ये संसार हमेशा बदलता बदलते रहेगा, संसार ही ये शरीर है, जैसे शरीर शरीर भी हमेशा सब कुछ बदलता है, शरीर माइंड मन सब कुछ बदलता है, लेकिन इसी चीज़ को समझते हुए कि क्या बदलता है क्या नहीं बदलता है, उस चीज़ में जो फर्क कर लिया गुरु के माध्यम से, गुरु की कृपा से उस चीज़ को पचा लिया, तो वही बीच की जो डिस्टेंस है खत्म हो जाती है, लेकिन जो ज्ञान के माध्यम है और जो आप भक्ति के माध्यम से जो समर्पण वाला है उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, दैट्स इट, वही समर्पण जी, बस जो गुरु बोल रहे हैं बाकी, हाँ बस बाकी वही सत्य है सब कुछ। हाँ हाँ, उसमें जो आनंद है ना उसी को बोलते हैं सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद भगवान का दूसरा नाम भी है। हाँ। असली आनंद उधर ही है, संसार में कितना भी आनंद खोज ले देर नो आनंद नहीं, वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए आता है, लेकिन उसमें जो ढूंढते हैं वो लोग सोचते हैं कि यही सब कुछ है, यही में इसी में आनंद सब कुछ मिल जाएगा, इस इम्पॉसिबल, वही लोग दुखी रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, सब कुछ होते हुए भी अरबपति करोड़पति सब कुछ है, लेकिन दे आर नॉट सेटिस्फाइड, जब तक सेटिस्फेक्शन 100% नहीं आएगा, 100% जब ही आएगा जब अपने आप को जान लोगे मैं कौन हूँ, वो जानने के बाद ही वास्तविक तत्व, और ये कब जान पाते हैं, जब गुरु, जब पूर्ण गुरु मिलते हैं। अगर आप मनुष्य रूप में इस धरती पे आए हो ना तो जीवन में गुरु जरूर बनाओ ना, अगर हाँ बिल्कुल गुरु है, गुरु के जैसा अपने गुरु हैं, बिल्कुल गुरु अगर धरती पे मिल जाए, हाँ जहाँ पे दोनों चीज है, जो बोलते हैं शक्ति भी है, शिव शक्ति दोनों का वास है, दोनों का वास है, जैसे कि शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं और मानसिक कष्ट गुरु के ज्ञान से ऑटोमेटिकली भाग जाना, क्योंकि प्रकाश होते ही सूर्य का आगमन होते ही ऑटोमेटिकली भाग जाता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि हम ना अंधे, हम कभी गुरु नहीं ढूंढ सकते, गुरु अपने शिष्य को ढूंढता है, लेकिन हमारे अंदर वो भाव होना चाहिए हमेशा से कि हमें हमारे जीवन में कोई गुरु होना चाहिए, गुरु का आशीर्वाद कृपा होनी चाहिए, एक खोज, मतलब हमारे अंदर भी वो चीज होनी चाहिए, जैसे कि मेरे अंदर भी था कि कोई गुरु होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। जब मैं दरबार से नहीं जुड़ी थी, मैं एक स्टोरी ना बहुत दिनों से आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, कर नहीं पा रही थी, लेकिन आज वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी। मुझे याद है जून का महीना 2019 का दिन था, मैं बहुत परेशान और बहुत कष्ट में थी। भगवान शिव जी को भगवान मानती थी और बहुत पूजा करती थी शिव जी की, लेकिन जान हो गई और भगवान शिव को शिव मानना बंद कर दी, और उनको मैंने कह दिया भगवान शिव को कि आज से आप मेरे गुरु,
पता है मुझे याद है 2019 जून का महीना, यही 25-26 जून चल रहा होगा, और उसी दिन शाम को 7 बजे मैंने भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग, हमेशा बचपन से मेरे साथ रहती थी, मैं बोली आज से आप भगवान नहीं हो, आज से आप मेरे गुरु हो। मुझे याद भी हो, सब दिन याद है, आज से आप मेरे गुरु हो, और आप, क्योंकि मुझे इतना पता था बिना गुरु के जीवन मेरा पार होगा ही नहीं, इतना पता नहीं कैसे ये ज्ञान मुझे कहाँ से मिल गया। तो हमेशा एक गुरु की खोज, एक गुरु की तलाश कि गुरु होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। और ऐसा मैं भी संस्थाओं में जाती थी, जैसे कि ये ओशो जी का हो गया, निर्मला माता जी का हो गया, ओम शांति हो गई, और भी जो जहाँ बता देता था ना उधर पहुँच जाते थे। वही कहीं ना कहीं संतों की कृपा कहीं ना कुछ कुछ रही है, और पिछले जन्मों का भी आपका पुण्य रहा है, क्योंकि पुण्य ही एक माध्यम बनता है एक पूर्ण गुरु तक ले जाने के लिए, क्योंकि जब तक पूर्ण गुरु तक नहीं पहुँचे सब लोग चाहते हैं उस जगह पर पहुँच जाए जहाँ पे सब कुछ मिल जाए, मिल जाए उसके बाद कुछ बाकी नहीं रहे मिलने का, तो सब चाहते, लेकिन चाहने से नहीं होता। जो जन्म में जो धर्म का काम करते हैं और भी जो पुण्य काम करते हैं तो उनके जीवन में यही सब पुण्य गुरु को गुरु तक पहुंचाने के लिए एक ब्रिज का काम करता है। मैं सिर्फ ना इस वीडियो के माध्यम से इतना कहूंगी कि अगर आप लोग के जीवन में गुरु नहीं है ना, भगवान शिव को अपना जिस दिन आप लोग गुरु बनाओगे वो ना पूर्ण गुरु से ही जोड़ेंगे। भगवान शिव ऐसे है ना, भगवान शिव की अगर आपने आराधना की, माँ की आराधना की है, तो आपको पूर्ण गुरु के पास ही भेजेंगे। आप मानेंगे नहीं भैया, जिस दिन में उनको जिस दिन गुरु बनाई उस दिन रात्रि को 8:30-9 बजे दरबार का वीडियो मेरे पास आया, दरबार का जैसे ही वीडियो मेरे सामने आया उस दिन एक आवाज, उस समय पता नहीं क्या क्या अनुभूतियां उस समय बहुत होती थी, अब तो मतलब अब तो होती है, लेकिन उस समय मुझे जैसे आवाजें सुनाई देना बहुत सारी चीजें होती थी, तो उसमें मुझे एक आवाज आई कि बेटा बस इस दरबार पहुंच जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बस ये दरबार पहुंच जाए। एक बार मैंने शेयर नहीं की थी, आज आप बातों बात में निकल गया दीदी, इसीलिए मैं बोलता हूँ दीदी कि ये एक बहुत महान आत्मा है, भले जीवन में ऐसा लग रहा है कि उन्होंने संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एकदम गुरु का जो ज्ञान होता है ना, गुरु का जो ज्ञान के रूप में जो अमृत है या जो उनकी करुणा है, इन्होंने पचाया है और उसके अनुसार आगे बढ़ रही है, और जीवन में बहुत कुछ दूसरों को दे रही हैं। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि केवल अपने पास रखी है, इनके माध्यम से हजारों हजारों लोग कहीं ना कहीं गुरु तक पहुंचने के लिए सशक्त हो रहे हैं और यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, गुरु नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं गुरु नहीं इस जीवन में तो कुछ नहीं, इसीलिए हर व्यक्ति को गुरु, पूर्ण गुरु का होना बहुत आवश्यक है, और हम तो कभी पूर्ण गुरु ढूंढ नहीं सकते, लेकिन भाव हमेशा होना चाहिए कि गुरु, गुरु की कृपा हो, गुरु हमें मिले, तो ये भाव हमेशा आप लोग अपने अंदर बना के रखिए। और साक्षात बहुत से नए लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं तो उनको लगता होगा क्या बोलती हूँ क्या नहीं बोलती हूँ, लेकिन अगर आप मनुष्य हैं तो आप गुरु बनाइए, और हमारे जो गुरुदेव हैं करौली शंकर महादेव बाबा, आप लोग देखो जितना जब हम भटकते हैं ना तभी हमें सही जगह का और सही चीज़ों का परख भी होता है, तो हम लोग आप लोग अगर भटक चुके हैं, थक गए हैं जीवन में गुरु बना के, तो भी कभी संतुष्टि नहीं, तो एक बार हमारे दरबार को जरूर जानिएगा, हमारे गुरुदेव को आके देखिएगा, दरबार को देखिएगा, यहाँ की जो विधि होती जो प्रक्रिया होती आप ना आप खुद संतुष्ट हो जाओगे यहाँ पे आके। मैं बहुत सारी बातें हैं मैं आपको बताना स्टार्ट करूँ ना, यहाँ केवल विश्वास नहीं है, यहाँ केवल आस्था नहीं है, यहाँ पे सब कुछ है, फिजिकली मेंटली जो आप फेस कर रहे हैं, जो हमको लगता है कि केवल मेडिकल साइंस ही वो चीज़ दे सकती है या हमारा कर्म ही वो सब कुछ दे सकता है, कर्म बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन कर्म के बाद भी कोई नहीं, कर्म से आगे भी बहुत कुछ होता है, क्योंकि कर्म तो सब कुछ आ जाता है, पाप पुण्य सब कुछ आ जाता है, लोग समझ नहीं पाते हैं, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते कि जो मैं कर रहा हूँ या क्या पाप है या पुण्य है, एक गलत आदमी भी काम कर रहा है लेकिन वो भी सोचता है अपने अपने माध्यम से वो सही काम कर रहा है, टेररिस्ट भी काम कर रहा है वो भी अपने धर्म के अनुसार अपने अनुसार वो सोच रहा है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, उसके पास बुद्धि नहीं है, उसके पास वो ज्ञान नहीं है, वो गुरु नहीं है। अगर गुरु रहते हमारे गुरु गुरुदेव जैसे, संतोष जी जैसे, करौली धाम जैसे, तो उसको ये समझ में आ जाता जो मैं कर्म कर रहा हूँ या ये धर्म है या अधर्म है। ये जब तक जीवन में ये चीज़ फर्क नहीं आएगा तो आपको गुरु मिलना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन दीदी की माध्यम से ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन दीदी का जो काम है केवल भक्ति करना नहीं है, इनके माध्यम से जो आज इस परिस्थिति में, मैं बोलता हूँ कि इस परिस्थिति में इन्होंने इतना बड़ा काम कर रहे हैं लोगों के लिए,
जो लोग जानते नहीं थे करौली बाबा के बारे में, करौली सरकार के बारे में, कानपुर जो यहाँ पे दरबार है, वो लोग भी जानना शुरू हो गए हैं और यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। और वहाँ तक नहीं, स्पेशली धाम की बहुत सारी विधि है, बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो यहाँ एक एक महीने लोग आने के बाद समझ में नहीं आता। वो दीदी बहुत अपने आसान भाषा में समझा देती हैं और बहुत प्यार से समझा देती हैं लोगों को। घर बैठे सब कुछ ज्ञान हो जाता है कि दरबार की क्या क्या प्रक्रिया है, हमको किस किस प्रक्रिया में जानी चाहिए कि हमारे जीवन के सारे दुख दुख खत्म हो जाए और मैं हमको एक साक्षात गुरु गुरु पूर्ण गुरु भी मिल जाए। एक दीदी बहुत बड़ा काम कर रही हैं गुरु अपने गुरुदेव के माध्यम से। हम लोग भी शिष्य हैं लेकिन हम लोग तो बहुत कुछ नहीं है गुरु के सामने, हम लोग तो बहुत छोटे हैं। ये दीदी हैं, शी इज ग्रेट। मैं बोलूँगा शी इज ग्रेट। मैं यहाँ पे आया हूँ केवल इनका भोजन करने के लिए नहीं, होटल पे मैं तो आया। दीदी का जो साहस है, जो समर्पण है, वही देखने वो सब उस चीज़ का जो स्वाद है ना यहाँ पे आने के बाद, वो चीज़ आप प्रैक्टिकली यहाँ पे आएंगे तब आपको स्वाद पता चलेगा। इससे ग्रेट दीदी ने पहले बोल दिया कि इन्होंने बस जो चादर का एक छेरा होता है ना, एक कोना होता है, उन्होंने बस एक ही पकड़ लिया। वही आप समझाना भी चाह रही हैं कि सब कुछ ऐसा नहीं कि आपको वेदांत पढ़ने की जरूरत है, उपनिषद पढ़ने की जरूरत है, ब्रह्म सूत्र पढ़ने की जरूरत है, या यही और भी जो स्क्रिप्चर्स हैं श्रुति वगैरह वो पढ़ने की जरूरत है। दीदी का एकदम सिंपल है, गुरु का भी एकदम ये है कि आप जिस लेवल पर हो जैसे हो बस गुरु का हाथ काम भी हो। जैसे एक चादर का एक कोना पकड़ लो, तीनों पूरा चादर आपके हाथ में आ जाएगा, चारों कॉर्नर आ जाएगा। इन्होंने ऐसा कर दिया और एग्जाम्पल सेट भी कर दिया, लोगों तक अपना मैसेज भी दे रहे हैं गुरु के। ये गुरु का मैसेज दूसरे इनोसेंट लोगों तक पहुंचाना ये सबसे बड़ी बात है। उसके बीच में ब्रिज बनना ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है, जो ब्रिज बनने का इन्होंने साहस और ये सारी चीजें गुरु की कृपा से सब कुछ कर पा रहे हैं। मैं बोलने लगूंगा तो मेरे को दीदी के प्रति बोलने के लिए है लेकिन मेरे को कुछ अर्जेंट जाना पड़ रहा है दरबार। परिवार भूल गए हैं, परिवार तो बाबा है, हम अपना परिवार भूल गए हैं घर पे, यही इतना हमें खुशी यहाँ है। बड़ा अच्छा लगा भैया से इतनी सारी बातें करके। भैया चले गए और भैया से बात करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। और जहाँ पे हमारे गुरु का बखान हो, हमारे गुरु माँ हमारे बाबा की चर्चा हो, बातें हो, वहाँ पे तो आनंद जाहिर सी बात है आना ही है। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगी कि गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित रहें, जीवन में सब अच्छा होता है। और हमें ऐसे इस शरीर में हम लोगों, पता है लोग अपने गुरु को शरीर में देख नहीं पाते। हाँ अंकल, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फोटो में अपने गुरु को देखते हैं, लेकिन हम बड़े भाग्यशाली लोग हैं कि हम अपने शरीर में अपने गुरु को देख पाते हैं, उनको छू पाते हैं, उनके प्रवचन को सुन पाते हैं, उनको चीज से हम पूर्ण हैं, मतलब समझ रहे हैं, हमें कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो हम बड़े भाग्यशाली लोग हैं कि पूर्ण रूप से हमें पूर्ण गुरु मिल चुके हैं। तो आप सभी लोग एक बार करौली शंकर महादेव के दरबार आके ना इस दरबार को समझिएगा जरूर। तो यही कहूँगी, जीवन आपका तर जाएगा, जीवन की तमाम समस्याएं, उलझने, दिक्कतें, हर चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। बस दरबार आप लोग आ जाइए। मैं ये जो मैं कह रही हूँ इतने विश्वास के साथ, ये मेरा विश्वास है, मैंने वो पाया है गुरु के चरणों में समर्पित होकर मैंने बहुत खुशियाँ पाई हैं और पा रही हूँ, और जीवन भी तर जाएगा। बाबा ने बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा। तो आइए आप सभी लोग, मैं ब्लॉग शूट करने वाली थी लेकिन इतना बड़ा हमारा वीडियो बन चुका है बाबा का गुणगान गाते गाते, बड़ा अच्छा लगा। तो फिर वापस हम नया ब्लॉग शूट करेंगे, इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। हर हर महादेव। जय बाबा की जय, माँ की गुरुदेव की जय।